लखीमपुर खीरी जिले में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके चलते आए दिन लूट और हत्या जैसी वारदातें सामने आ रही है। इसी के चलते एक बार फिर लखीमपुर खीरी जिले के मैगलगंज थाना क्षेत्र लूट के चलते एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने सरेआम लूट के इरादे से युवक पर हमला कर चाकू से गोंद कर हत्या कर दी। पूरा घटनाक्रम मैगलगंज थाना क्षेत्र के बल्लीपुर गाँव का है। मृतक पंकज श्रीवास्तव 30 वर्ष। उनके परिजनों का कहना है कि पंकज अपना धान बेचने गोला मंडी गया था। वहां से 50 से 60 हजार रुपए लगभग का धान बेचकर वापस अपने घर आ रहा था। तभी जो लोग साथ में धान बेचने गए थे उन लोगों ने साथ में शराब पी और नशे में होने के बाद मृतक पंकज के सारे रुपए इन लोगों ने लूट लिए और चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। उसके बाद उसे कार से बांध कर 1 किलोमीटर तक रोड पर घसीटने के बाद पंकज को सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गए। घटना की जानकारी पाते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिनका नाम मृतक ने मरने से पहले भी बयान में दे दिया है। आज दिनांक 22 अक्टूबर को समय सुबह 3:56 पर थाना मैगलगंज में एक सूचना प्राप्त हुई कि बल्लीपुर गाँव के श्री पंकज को उन्हीं के गाँव के रहने वाले हरजीत सिंह और बसंत सिंह द्वारा बीती रात में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिनकी दौरान इलाज सदर हॉस्पिटल खीरी में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना मैगलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दोनों नामजद अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और घटना में उनकी संलिप्तता के संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, शीघ्र ही पूरी घटना का अनावरण किया जाएगा।